गुड इवनिंग, वेलकम है आज के सेशन में। इंग्लिश लिटरेची क्लास है हमारी। स्वास्थ्य थोड़ा लेट हो गया। हमारे साथ हैं ममता, निराली, पूजा। कैसे हैं सारे लोग? आई होप अच्छे से होंगे एंड प्रिपरेशन अच्छी हो रखी होगी आपकी। एक और करेंगे सेशन आज, 50 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आज सारे ही क्वेश्चन लिटरेचर से लिए मैंने कि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स चेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेट 4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज प्योरली फ्रेंच पीरियड इज। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। संदीप जी, शुरू नहीं हुई थी, बस अभी शुरू हुई है, सो अब देख पाएंगे आप लाइव क्लास। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम इज प्योरली फ्रेंच पीरियड इज। रोमन डेला रोज, बुक ऑफ द डचेस, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सोनम पारुल, गुड इवनिंग। फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन बता रहे हैं? नहीं, सबसे शुरू के लिए याद रखेंगे हमारा चौसर का जो लाइफ है पूरा डिवाइडेड है 3 पीरियड्स में, फ्रेंच, इटालियन और फिर इंग्लिश है। तो फ्रेंच पीरियड के प्रस्पेक्टिव से आर राइट आंसर इज बुक ऑफ द डचेस। ये हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट के लिए, ऑप्शन बी है ना। ये पोयम है और 13-34 लाइंस है, याद रखेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट जो स्लैब है फ्रेंच पीरियड वाला, उसके अंदर मेजर पोयम कंसिडर किया जाता है फ्रेंच पीरियड के अंदर। क्वेश्चन नंबर टू, चौसर विजिटेड इटली एट द जेनिथ ऑफ रेनेसा इन 1371, 1373, 1372 और 1374। क्वेश्चन नंबर टू, चौसर और उनकी इटली विजिट के ऊपर है ये। सो अभी बताया था आपको पहला फेज कौन सा हो गया फ्रेंच, दूसरा फेज कौन सा हो गया इटालियन, तीसरा फेज उनका इंग्लिश है जिसमें हमारा वो मेजर वर्क है कैंटरबरी टेल्स जो अधूरा रह गया है ना। सो फर्स्ट इटालियन विजिट के लिए हमारा राइट आंसर है 1372 और से लेकर के 1373 तक उन्होंने वहां पे टाइम स्पेंड करा था। क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन सी। तीसरा, मोस्ट प्रायबली सबको पता ही होगा, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स एज यू लाइक इट। द अबव लाइंस आर स्पोकन बाय ऑर्लैंडो द ड्यूक जैक्वेस टचस्टोन। सो राइटर विलियम शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से कैरेक्टर ने ये वाली बात कही थी। वैसे हम लोग याद रखेंगे एक्ट टू सीन 7 जहां पे ये मेंशन किया गया है, 7 stages ऑफ ए मैंस लाइफ। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ऑप्शन सी। और एक भाई का नाम भी है लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वाला हमारा लॉर्ड है, लॉर्ड जैक्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? जी, थर्ड के लिए सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? द एक्टर्स हु प्लेड इन शेक्सपियर्स प्ले हाउसेस वर आइदर स्लेव्स और मीनियल्स इन रॉयल कोर्ट्स। दूसरा, द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हाउसेज वर ऑल मैन, नो वुमेन अपियर्ड ऑन हिज स्टेज। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हाउसेज वर ओकेजनली बोथ मैन एंड वुमेन। एंड चौथा, दे वर चिल्ड्रन एंड ओकेजनली एडल्ट्स। सो इसमें से सही वाली बात कौन सी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? बी, यस। सारे एक्टर्स कौन से होते थे? मेल होते थे और वुमेन एक्टर्स अलाउड नहीं थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ है मिल्टन और उनके वर्क पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? ये एक प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक है या अ रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक, रोमन कैथोलिक इंग्लिश एपिक या ट्रू वर्जिलियन एपिक?
थोड़ा डिटेल में हो गया है, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5, बी जी, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। सेटन ने कहा है, ओ माइरियाड्स ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट्स, ओ पावर्स मैचलेस, बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट इनग्लोरियस, दो द इवेंट वाज डायर एज दिस प्लेस टेस्टिफाइज, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन 622 से 25, ही इज एड्रेसिंग हिज फ्रेंड्स फॉलोअर्स एनिमीज या फिर ईव, किससे बात कर रहा है? आपके लिए हिंट है, वहां पे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 और बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ओ माइरियाड्स ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट्स, ओ पावर्स मैचलेस। तो किससे बात कर रहा है सेटन इन क्वेश्चन नंबर 6? एड्रेस, सेटन इज एड्रेसिंग हिज फॉलोअर्स। यस, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइडन के ऊपर। ड्राइडन्स द इंडियन एम्परर वॉज ए सीक्वल टू, द इंडियन एम्परर ये किस वर्क का सीक्वल है? औरंगजेब, द इंडियन क्वीन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, द वाइल्ड गैलेंट। ड्राइडन, द इंडियन एम्परर वॉज ए सीक्वल टू, एक और नाम है चाहे तो याद रख सकते हैं इसका, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको, द इंडियन एम्परर और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको नाम याद रख सकते हैं, ड्रामा है और किसका सीक्वल है? द इंडियन क्वीन, ऑप्शन बी 7 के लिए। फिर ड्राइडन का फर्स्ट प्ले बताइए, द वाइल्ड गैलेंट, द इंडियन एम्परर, द इंडियन क्वीन, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव को लेकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे पहले भी हमने, सो इसमें से ड्राइडन का फर्स्ट प्ले कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द वाइल्ड गैलेंट। 8 के लिए ए ऑप्शन याद रखेंगे। हु बिकेम द विक्टिम ऑफ पोप्स अटैक इन द फाइनल वर्जन ऑफ द डांसियाड? लुविस थियोबाल्ड, जॉन आर्बथनॉट, कॉली सिबर या एम्ब्रोस फिलिप्स? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, Who became the victim of Pope's attack in the final version of the Danciad? किसको अटैक करा था? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। So, आंसर याद रखेंगे यहाँ पे 9 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। और एक आसान सा क्वेश्चन कर ले, आसान नहीं वैसे तो, डेट से रिलेटेड है, देखिए कितने लोग को आ रहा है। पोप वाज बोर्न इन 1676, 1680, 1688, 1698। बायोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन, कब का जन्म है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, करेक्ट 1688, जो 21st में 1688 याद रखेंगे, 21st में 1688। टफ था वो वाला, चलिए एक आसान करते हैं। वॉड्रोकोर एंड जूलिया इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ अफेयर विद, तो आपको पता है वर्ड्सवर्थ का अफेयर किसके साथ था? डॉरथी, एने, जूलिया, लूसी। वॉड्रोकोर एंड जूलिया 1820 इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ्स अफेयर विद किसके साथ? क्वेश्चन 11 में,
जी बहुत बढ़िया। और कहाँ पे इन लोग की मुलाकात हुई थी, कहाँ विजिट किया था उन्होंने, लोकेशन किसी को याद हो? वर्ड्सवर्थ का टूर था कौन सी जगह पे जहाँ पे मुलाकात हुई थी? एंड देन दे हैड देयर डॉटर आल्सो कैरोलाइन, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द बॉर्डरर्स वाज द ओनली प्ले रिटन बाय, बॉर्डरर्स वॉज दी ओनली प्ले रिटन बाय, हाँ फ्रांस, करेक्ट है, याद रखेंगे, फ्रेंच वुमेन है ना। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन, किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का है, ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ। और अगर साथ ही साथ याद रख सके तो याद रखेंगे, ट्रेजेडी है एंड हाउ मेनी एक्ट्स? फाइव एक्ट्स है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है ये आपको बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिखा हुआ है द ग्रीन लिनेट, टू दी कुकू, टू दी स्काई लार्क, टू ए स्काई लार्क। हमने पिछले वाले सेशन में भी क्वेश्चन करा था और आपसे पूछा गया था कि भाई जो वर्क है उसका एग्जैक्ट नेम क्या है। सो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक और कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। थर्टीन के लिए डी। सो याद रखेंगे दोनों के वर्क में डिफरेंस क्या है। टू ए स्काइलार किसका वर्क है? दिस इज बाय पी बी शेली। सो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे मिसमैच्ड है। टू ए स्काइलार के साथ लिखा होना चाहिए था यहाँ पे पी बी शेली। वर्ड्सवर्थ के लिए याद रखेंगे उनके वर्क का नाम है टू दी स्काइलार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पी बी शेली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पी बी शेली। ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। बहुत ही मतलब ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अनफिनिश्ड वर्क, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, डिराइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम डांटे एंड पेट्रार्क, द सबटाइटल ऑफ एडोनियस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, हेलास इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूलर्स, प्रोफेसीज अपॉन द कर्टन ऑफ फ्यूचरिटी इन एलिस्टर, शेली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ ए यंग पोएट। सो कौन सा रॉन्ग है इसमें 14 के लिए? बी बता रहे हैं जी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज रॉन्ग। क्या है ये? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये किसका सब टाइटल है? ये सब टाइटल है एलिस्टर का, याद रखेंगे। ऑप्शन बी रॉन्ग है। एलिस्टर का है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा बी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स? ओड टू ऑटम, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, अ ड्रीम, एडोनियास। कौन सा नहीं लिखा है जॉन कीट्स ने? क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है और आसानी से आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। ये वाला किसने लिखा है? दिस इज बेस्ड ऑन जॉन कीट्स बट रिटन बाय शेली। शेली का पास्टोरल एलजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। 15 के लिए डी परफेक्ट, सभी का आंसर करेक्ट है। लॉर्ड टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरेट इन 1848, 1855, 1850, 1858, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो तीनों बिल्कुल एक ऑर्डर में है। मैंने आप लोग को पहले बताया था, याद रखेंगे, साउदी साउदी के डेथ का डेट और वर्ड्सवर्थ के पोएट लॉरेट का डेट एक हो गया, फिर वर्ड्सवर्थ के डेथ की डेट और लॉर्ड टेनिसन के पोएट लॉरेट की डेट एक हो गई। सो ये नहीं भूलना चाहिए आपको दोनों। लॉर्ड टेनिसन के लिए 1850, वर्ड्सवर्थ की डेथ और इनका पोएट लॉरेट हमारे लिए सेम ईयर हो गया, याद रखना आसान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में।
पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच. द अबव डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय फ्रांसिस बेकन, एडगर एलन, ली हंट, मैथ्यू आर्नोल्ड. किसका है ये? पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच. क्वेश्चन नंबर 17. जी पारुल, करेक्ट आंसर है आपका भी. सविता, संदीप, सोनम, मीनू, निराली, करेक्ट आंसर्स. पूजा डी बता रही हैं. जी सही आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड, उनकी लाइन है, ध्यान रखेंगे. द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेपर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? क्रॉसिंग द बार, डोवर बीच, रग्बी चैपल, नन ऑफ द अबव. 18 के लिए. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 के लिए, रग्बी चैपल, और इसके अंदर रेफरेंस है फेथफुल शेपर्ड का. द कैरेक्टर फॉग अपियर्स इन डिकेंस नॉवल. कौन से डिकिन के नॉवल में आपको कैरेक्टर फॉग देखने को मिलेगा? ओलिवर ट्विस्ट, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, पिकविक पेपर्स, 92 रज. 92 रज है. ओलिवर ट्विस्ट या ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप या पिकविक पेपर्स? फॉग कैरेक्टर हमारा कहाँ मिलेगा? पिकविक पेपर्स में, ऑप्शन सी. जी नीतू, करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. डिकेंस की ही बात कर रहे हैं और किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? डेविड कॉपरफील्ड. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपियर इन डेविड कॉपरफील्ड. तो हमारे पास है हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रैंक. क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और डॉक्टर रैंक. यहाँ पे याद रखेंगे कौन नहीं है? डॉक्टर रैंक. 20 के लिए डी. और ये है कहाँ पे? ये अडॉल्स हाउस वर्क के अंदर आपको डॉक्टर रैंक देखने को मिलेंगे. हेनरी इप्सन का वर्क है उसके अंदर, यहाँ पे नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21. द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज, mankind might some night be innocently sleeping when these quiet objects were raging loud. Character is fate. Happiness was but the occasional episode in a general drama of pain. To this I put my name. So Thomas Hardy ka novel The Mayor of Casterbridge, aur wahan pe hame batana hai last line. Question number 21 ke liye. सी करेक्ट है. हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन. 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी. ये सबको पता होगा. मान लीजिए लास्ट लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन नंबर 22 के का जो हमारा आंसर है वो तो आना चाहिए. Who buys Henchard's wife in the Mayor of Casterbridge? Boldwood, Farfrae, Newson, Job. किसने खरीदा था? ये बिल्कुल नॉवल की शुरुआत नहीं है, तो अगर आप कभी भी नॉवल पढ़ना शुरू करते हैं तो ये वाला इंसिडेंट आपने जरूर फेस करा होगा. अगर पूरा नहीं भी कंप्लीट कर पाए होंगे नॉवल तो भी. जी न्यूसन इज द राइट आंसर. 22 के लिए सी. नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अब इलियट की. द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ये फेवरेट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स के अंदर. अपियर्स इन इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूफ्रॉक, फोर क्वार्टेट्स, जिरोंटन, द वेस्टलैंड. किसके अंदर आपको ये लाइन देखने को मिलेगी? आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी.
क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ओके, पूजा का आंसर है, निराली का भी ए, जी करेक्ट है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ब्रूफोर, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 भी दिख ही रहा है। इन द वेस्ट लैंड इलियट यूजेस द एक्सप्रेशन इल मिक्लियोर फैब्रो, ये मैंने पहले भी किसी क्विज में डिस्कस किया हुआ है आप लोग के साथ, तो जो लोग देखते हैं रेगुलर उनको याद होगा आंसर। डब्ल्यू बी ईट्स, एजरा पाउंड, सिल्विया प्लाक, डब्ल्यू एच ऑर्डन। किसके लिए कहा गया है ये वाला? So, हमारी जो टर्म है या जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अंदर मेंशन है उसका मतलब है द ग्रेटर क्राफ्टमैन, और कहा किसके लिए गया है? बी, यस, एज़रा पाउंड के लिए, करेक्ट आंसर। 24, बी, एज़रा पाउंड के लिए कहा गया है, इल मिक्लियोर फैब्रो। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए प्रेयर फॉर माय डॉटर प्लीज प्रेज फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डॉटर इन अ वर्ल्ड टॉर्न बाय डैश एंड डैश। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ग्रीड, एंगर, वॉर एंगर, लाइज, डिसीट, हेट, ग्रीड, कौन सा फिल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर, जी, वॉर और एंगर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन मैन एंड सुपरमैन मेंडोजाज लव इंटरेस्ट रिजेक्टेड हिम बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, अ ज्यू, अ क्रिमिनल, फिजिकली अनअट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 में मैन और सुपरमैन के अंदर क्यों रिजेक्ट किया गया था? बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, बिकॉज ही वॉज ए ज्यू, अ क्रिमिनल और फिजिकली अनअट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बताना है। ममता सी, 26 के लिए बता रहे होगे मेरे ख्याल से, डी लिखा है आपने, करेक्ट है, बिकॉज ही वॉज ए ज्यू, यस। क्वेश्चन नंबर 27, देर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज टू लूज योर हार्ट्स डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। दिस कोट इज टेकन फ्रॉम विच एक्ट ऑफ मैन एंड सुपरमैन। सो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम एकदम लाइन पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कौन से एक्ट से लिया गया है। कोशिश कीजिए अगर आ रहा हो, एक्ट वन, एक्ट फोर, एक्ट टू, एक्ट थ्री। 27 के लिए बता देती हूँ मैं, याद रखेंगे एक्ट फोर। 27 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट फोर। सो लाइन याद रखेंगे, अगर लाइन पूछ दी जाए तो कहाँ से है? मैन एंड सुपरमैन से लिया गया है। देर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज टू लूज योर हार्ट्स डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अब आगे थोड़े से हम लोग इंडियन राइटर्स के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद इज नॉट इंक्लूडेड इन दी लाल सिंह ट्रायलॉजी। तो मैंने YouTube पे तो नहीं पर क्लास में बताया हुआ है। सो देखें कितने लोग को पता है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द विलेज, टू लीव्स ऑन अ बर्ड, द सॉर्ड एंड द सिकल। मुल्कराज आनंद, उनके तीन वर्क को इंक्लूड किया जाता है द लाल सिंह ट्रायलॉजी, जहां पे हमारा प्रोटैगनिस्ट लाल सिंह है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से किसको इंक्लूड नहीं करेंगे 28 के लिए। बहुत बढ़िया, टू लीव्स आने बट, तो कौन कौन सा आएगा? द विलेज, फिर उसके बाद है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और उसके बाद है द सोर्ड एंड द सिकल। ये उस वाले का पार्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, हाउ मेनी वॉल्यूम्स डज आनंद फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी कंप्राइज ऑफ। सो विलियम शेक्सपियर की वो जो लाइन है, अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कराया जैकविस की लाइन, उसी के ऊपर बेस्ड आनंद ने सोचा था कि ही विल राइट हिज ऑटोबायोग्राफी, जो पूरा नहीं हो पाया कंप्लीट। सो फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके लिए हाउ मेनी वॉल्यूम्स का उन्होंने किया था प्लान, ये बताना है आपको।
29 के लिए बी बता रहे हैं। हाँ जी करेक्ट है। सो वो सेवन स्टेजेस ऑफ मैन वाली चीज याद रखेंगे, सेवन एजेस ऑफ मैन। हु वॉज द इंडियन जूश पोएट, आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। हु वॉज द इंडियन जूश पोएट हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी इन 1983, याद रख सकते हैं यहाँ से, पद्मश्री इन 1988 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। मुल्कराज आनंद, निजिम एजिकिल, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, मैंने आपको अगेन बताया आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको, बट साथ ही साथ ये दोनों इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है 30 के लिए भी। यस निजिम एजिकिल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो 83 एंड 88 है ना। और ये अगेन एजिकिल की बहुत ही फेमस पोयम, द थीम ऑफ एजिकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, गॉड, सुपरस्टिशन, लक, लाइफ। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने पोयम पढ़ रखी होगी, इंटरेस्टिंग पोयम है, छोटी सी है और लैंग्वेज भी इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, सो गॉड है, सुपरस्टिशन है, लक है, लाइफ है। 31 के लिए इजी है क्वेश्चन, है ना। इंडियन फैमिली और थीम हमारा क्या है, सुपरस्टिशन है। 32 के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनका वर्क होम ब्यूरियल, और वो बताना है आपको कि उसका स्ट्रक्चर या फॉर्म या जॉनरे क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक आयरनी, मेलो ड्रामा, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, होम ब्यूरियल। क्वेश्चन नंबर 32। सो ये कब का वर्क है? 1914 का, एंड पोयम है और हमारा जॉनरे इज ड्रामेटिक लिरिक, मोनोलॉग नहीं है। मोनोलॉग याद रखिएगा हम किस किस ब्राउनिंग के केस में यूज करेंगे, है ना, ज्यादातर आपको वहीं पे मिलेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 33 लाइन है, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कॉज द कॉलरा, बट इज इट वॉज चेक एंड इन द एंड ओनली 7,000 डाइड ऑफ इट इन द आर्मी। सो सार्काज्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओनली 7,000 डाइड ऑफ इट इन द आर्मी। इन विच नॉवल डू दीज लाइन्स अकर? अ फेयरवेल टू आर्म्स, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फॉर हुम द बेल टोल्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, सो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, एंड राइट आंसर है अ फेयरवेल टू आर्म्स। 33 के लिए ऑप्शन ए, अ फेयरवेल टू आर्म्स में हमारी ये लाइन हमें देखने को मिलेगी, एंड दिस इज बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्वेश्चन नंबर 34 और 35। मानसी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, सरोजिनी नायडू। मानसी, तो 34 के लिए ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सो याद रखेंगे, दिस इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 35 में, रेड ओलियंडर, द पोस्ट ऑफिस एंड मुक्त धारा आर ऑल प्लेज बाय एएसपी अय्यर, आसिफ करीम भोई, जी वी दिसानी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35। तो ये सारे ही प्ले किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नाम हल्का हल्का अपने उसमें दिमाग में रखिए, रेड ओलियंडर, द पोस्ट ऑफिस एंड मुक्त धारा। फिर 36 पे चलते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं।
इंडियन प्लेराइट हु वान साहित्य एकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड एंड नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इज? जयंत शंकर प्रसाद, गिरीश कर्नाड, मोहन राकेश, बादल सरकेर। तो आपके सिलेबस में है, साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट गिरीश कर्नाड। सो अगर डेट याद रखनी है तो याद रख सकते हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड कब के लिए है? 1994, ज्ञानपीठ अवार्ड 1998, और ये फिल्म फेयर अवार्ड, ये चेक करना पड़ेगा। सो ये दो डेट्स याद रख सकते हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1994 है और ज्ञानपीठ 1998 में है, और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है गिरीश को। क्वेश्चन नंबर 37, कब का जन्म है? 37, 38, 38 और 39, और 38 में है हमारे पास 19 मई एंड 21 जून। बायोग्राफी से पोप के लिए भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन करा हमने पहले, और अब वी आर टॉकिंग अबाउट गिरीश। तो 19 मई 1938, 37 के लिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वीएस नायपॉल्स इंडिया ट्रायलॉजी? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन, ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, बियॉन्ड बिलीफ। हाँ जी, करेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। 38 के लिए बताएंगे, नॉट ए पार्ट ऑफ वीएस नायपॉल्स वर्क। सो कौन सा नहीं है? बियॉन्ड बिलीफ, डी ऑप्शन, ममता करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, वीएस नायपॉल पे एक और क्वेश्चन। वीएस नायपॉल प्रेजेंटेड ए बीबीसी वीकली प्रोग्राम कॉल्ड कैरिबियन वॉइसेस, डायस्पारा कॉलिंग, नॉर्थ एंड साउथ, द कॉल ऑफ द पाइप्स। बीबीसी वीकली प्रोग्राम, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, कैरिबियन वॉइसेस, 39 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 40, अ पोयम दैट इज रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज इज नोन एज एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, वेडिंग सॉन्ग, ओबेड। इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? सो मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अगर मान लीजिए आपको ओबेड नहीं पता होगा, तो ये अर्ली मॉर्निंग के सॉन्ग को कहा जाता है, जो बिल्कुल एकदम सुबह सुबह को रिप्रेजेंट करता हुआ हमारा सॉन्ग होगा, उसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर है एपिथैलेमियन, यस, मैरिज सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 41, When the writers concoct a superficial surface story to cover a profound one underneath, it is called it. So ये भले आपको लैंग्वेज जैसे यहाँ पे थोड़ी सी लग रही होगी कि पता नहीं क्या लिख गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्टोरी में लिटरल एक कहानी चल रही है, एंड देयर इज अनदर स्टोरी जो उसमें से हमें हिडन फॉर्म में मिल रही है, उस तरीके की स्टोरी को हम लोग क्या कहेंगे? कि एक सरफेस स्टोरी है और एक हिडन स्टोरी है, अल्यूजन, पैरेबल, एलेगरी, फेबल, किस तरीके के वर्क को हम लोग कहेंगे? जी सही आंसर है, करेक्ट, एलेगरी। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले करा भी है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, होपफुली आप लोगों ने अटेंड करा होगा, है ना। तो 41 के लिए सी, एलेगरी। 42, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई।
हुज पोएम आर वी टॉकिंग अबाउट? एंड्रयू मार्वल, जॉन डॉन, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रैशॉ। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, ये जो पोयम है हमारी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं 42 में? हाँ बिल्कुल, जॉन डॉन, करेक्ट। रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस? विक्टर ह्यूगो, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर पेटर, साउदी। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सो रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे ये किसका स्टेटमेंट है, विक्टर ह्यूगो का, ऑप्शन ए 43 के लिए। ये कुछ ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वहां आप शुरू में तो मैंने क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हिसाब से रखे थे, अब कुछ इधर उधर से। द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाय क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट पेन वॉरन, एलन टेट। क्वेश्चन नंबर 44, द न्यू क्रिटिसिज्म, राइट आंसर है जॉन क्रो रैनसम। और जॉन को ही माना जाता है क्या कि ही इज द फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, फाउंडर माना जाता है द न्यू क्रिटिसिज्म का। जैसे वो आप पढ़ते हैं ना कि कौन किसका है या सबसे पहले किसने शुरुआत करी है, तो इसके लिए फाउंडर याद रखेंगे जॉन क्रो रैनसम द न्यू क्रिटिसिज्म के लिए, 44 के लिए बी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हीरोइक कपलेट, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर जनरली लिखा हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि 100% यही आपके पास होगा, बट मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड इयाम्बिक डायमीटर, इयाम्बिक ट्राईमीटर, इयाम्बिक पेंटामीटर या इयाम्बिक टेट्रामीटर। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर, इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। सो आंसर इज याम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट के अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा याम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 46, एन अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर वर्स, वर्स मतलब पोयम हो गया और उसके अंदर याम्ब है यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, पेंटामीटर यानी वो लाइन के अंदर 5 बार रिपीट हो रहा है, एंड दिस अनराइम्ड रिप्रेजेंट्स कि हमारे जो आखिरी वाले साउंड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, कोई राइम स्कीम नहीं है पोयम के अंदर, इसको कहेंगे ब्लैंक वर्ड्स जी। और जब ये भी एंड राइम भी नहीं होगा, जब ये भी नहीं होगा, तो फिर हमारी पोयम हो जाती है फ्री वर्स, ना एंड राइम है ना अंदर किसी तरीके का रिदम है। कैंटो सेक्शन को कहते हैं, हीरोइक कपलेट आप जानते हैं वो दो लाइंस मैचिंग है राइम स्कीम, एंड प्रोसिडी इंटोनेशन स्ट्रेस विद इन ए पोयम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, सो क्वेश्चन होना चाहिए था हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लैंड, पर ठीक है इससे भी काम चल जाएगा हमारा। सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस वायट, शेक्सपियर, मिल्टन, किसको क्रेडिट जाता है सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का? क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हु इंट्रोड्यूस्ड, जी सर थॉमस वायट, करेक्ट। अब हमारे बहुत ही आसान से तीन क्वेश्चन, एकदम इजी। ए बैलेड इज अ पोयम नरेटिंग अ टेल, अ पोयम रिटन ऑन समबडीज डेथ, अ प्रेयर सॉन्ग, ए मैरिज सॉन्ग। तो ये लास्ट के 48, 49, 50, थोड़ा सा आपको कि भाई आप खुश हो जाएं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करें हमने 48 के लिए। 48 गड़बड़ नहीं करिए, अ पोयम नरेटिंग अ टेल, बैलेट के लिए याद रखेंगे द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर बाय
सैमुअल टेलर कॉलरिज किसके अंदर? लिरिकल बैलेड्स। सो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर बैलेड है, और सबसे पहला वर्क कौन सा है? क्राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, अ पोयम नरेटिंग अ टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक? वर्ड्सवर्थ, डेफोडिल्स, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, कॉलरिज, कुबला खान, कीट्स, हाइपेरियन। कौन सा इसमें से एपिक है? बहुत अच्छे से पता है आपको। हाँ जी संदीप, करेक्ट आंसर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। हाउ मेनी बुक्स? पहले 10, बाद में 12। और मिल्टन के अलावा याद रख सकते हैं होमर का इलियाड, और ओडिसी, और वर्जिल का एनीड। ये भी हमारे एपिक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, क्लासिकल वाले। एंड लास्ट क्वेश्चन, एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज, पोएम्स। क्या है ये? ऐसे है, फिक्शन है। जी इजीएस्ट, मतलब ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा किसी भी सेट के अंदर। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आज मैंने फिर इसीलिए आपका लिटरेचर प्रैक्टिस करा दिया, ताकि कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ एक स्टेटमेंट्स आपके सामने रिवाइज हो जाएं। कल आपको पता है आपके पेपर के अंदर जी के आनी है, जीएस, और उसके अलावा आपके इंग्लिश सेक्शन के अंदर ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, लिटरेचर भी है। सारी चीजें अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, मिस्टेक नहीं। इसीलिए मिस्टेक या हमसे गलती से हो गया, हमने पढ़ा नहीं, हमने नोट नहीं देखा, वो सारी चीजें नहीं करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पेपर देंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, सब लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना? ध्यान रखिएगा, और पेपर देने के बाद अगर आपका कोई फीडबैक, रिमार्क्स, कुछ आपको लगे कि हाँ शेयर करना चाहिए, तो आप लोग के पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, हर शीट, हर पीपीटी के ऊपर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप करके जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना? सो कल बात करते हैं आफ्टर पेपर व्हाट्सएप पे, ध्यान रखेंगे। एंड बेस्ट विशेस अगेन, बहुत अच्छा पेपर जाए आप सारे लोगों।